हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन चरसिया है और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं रिश्वा अकेडमी का छात्र हूँ और कक्षा 11वीं में पढ़ता हूँ और IIT और पॉलिटेक्निक दोनों की प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तो हम लोग का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और एग्ज़ाम हम लोग का, जैसा कि आपको पता होगा, 12 सितंबर एंड 15 सितंबर को है। तो हमारी तैयारी जो चल रही है, इस समय रिविज़न की चल रही है, तो तैयारी तो हम लोग की मस्त हुई है, बट अब दुआओं की ज़रूरत है। वो आप लोग आशीर्वाद और वो बनाए, गवर्नमेंट कॉलेज अवश्य मिलेंगे। और हम बात करें स्टडी का, जो टॉपिक होता है कैसे स्टडी करें, या फिर क्या मेरी स्ट्रेटजी रही पूरे ये लॉकडाउन में, प्लस मेरी तैयारी कैसी रही, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको, बस मैं आपसे 2 या 3 मिनट लूँगा, इतने में अपनी बातें ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो रियलिटी बताएं तो मैं जब 10th का एग्ज़ाम दे दिया था, उसके बाद मैं पॉलिटेक्निक का फॉर्म तब फिलअप किया, दैन उस समय लॉकडाउन हो गया था। 22 को जनता कर्फ्यू था, उसके बाद 24-25 से आपका लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। देन मैं क्लास करने नहीं जाता, मतलब कोचिंग करने नहीं जा पाता था, तो फिर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। तो वहाँ पे मैंने बहुत से कोचिंगों पे चक्कर काटे हैं। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ एक कोचिंग पे ही हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने इतने कोचिंगों पे चक्कर काटे हैं, आप ट्रस्ट नहीं करोगे। एम सोल्यूशन हुआ, नैन क्लासेस हुए, फिर इधर आइए, तो मतलब बहुत से कोचिंगों में मैंने चक्कर काटे हैं। फिर मुझे रिश्वा अकेडमी में ऐसे ही, मैं दोपहर में 11 बजे करीब में, दोपहर नहीं भाई, मॉर्निंग टाइम 11 बजे में मैं ऐसे ही मैथ का सर्च किया तो रिश्वा अकेडमी आया, जबकि उस टाइम वो लाइव थे। अभी तो सर से पहचान हो गई है, बट उस टाइम अशोक सर लाइव थे। तो सर उस टाइम मेरे को याद है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, तो मुझे उनका क्लास यानी लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। मैं उनका लेक्चर देखा, उस दिन मेरा फर्स्ट डे था, और मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं नीचे था मतलब अपने दादी जी के पास, तो वहाँ पे मतलब मैं एक पेज पे उनका कुछ टॉपिक्स लिखा, फिर मैंने आके कंपेयर किया अदर कोचिंग से, फिर मतलब मुझे अच्छा लगा तो मैं सब्सक्राइब किया। दैन फिर उस दिन शाम को शायद 8 बजे क्लास चल रही थी, 8 बजे करीब में क्लास थी, तो फिर मैं रात को अटेंड किया विकास सर की क्लास को। उसके बाद तो मतलब पूछिए मत, यूँ यूँ करके मेरा लेवल बढ़ता गया और अभी मैं यहाँ पे हूँ। और थोड़ी अब इस बात को बातें बड़ी हो रही हैं, तो मैं बताऊँ कि आप स्टडी के बारे में, तो स्टडी के लिए मेरे ख्याल से 2 या 3 टॉपिक होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है। जैसे मान लीजिए, सपोज एग्जांपल के तौर पे, तो आपको मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, मान लो फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ना है, तो लाइट के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं वो आपको पहले जानने पड़ेंगे। देन सॉरी, लाइट के कॉन्सेप्ट आपको जानने पड़ेंगे। देन आपको ये जानना पड़ेगा कि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने रेशो में मैंने ये देखा, सबसे बड़ी बात ये थी कि ऑल कोचिंग के, सभी कोचिंग के मुकाबले ये बड़ी बात देखी मुझे कि रेशवा में ये होता था कि जैसे मान लीजिए कि आज अभी रात को कराए थे सर, कि रात को कोई चैप्टर पढ़ाए, मान लीजिए कंसेप्ट पढ़ाए, तो अगले दिन उसका वो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा। और मेरे ख्याल से लगभग डेली हम लोग कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस, 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुका है। और अब दूसरी टॉपिक ये है कि आप मतलब फोकस कितना कर रहे हो। ठीक है, देखिए स्टडी में मैटर ये नहीं करता है कि आप क्या खाए हो, क्या ना आज नहाए हो या नहीं, क्या पहने हो, या फिर आपके बाल कैसे हैं, आपका स्टाइल, मतलब ये सब मैटर नहीं करता स्टडी में। और अब आपके लिए तो नहीं पता, बट मेरे लिए तो नहीं करता है। ठीक है, और एक बात बताएं तो ये फोकस, जैसे सपोज आप, आपकी मम्मी बोल रही हैं या फिर पापा बोल रहे हैं भाई क्या छोटू पढ़ तू, तो आप क्या करते हो, भूख लेके बैठ जाते हो। ये सबसे गंदी बात है भाई, जब अगर भूख लेके बैठ रहे हो तो जब मन हो तभी पढ़ो। ठीक है, अब आप 6 घंटे 7 घंटे भूख लेके बैठे रहो तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, टॉपर्स और नॉर्मल लोगों में ज़्यादा अंतर नहीं होता। देखो टॉपर्स भी खाना खाते हैं, नॉर्मल लोग भी खाना खाते हैं, टॉपर्स भी वही कपड़ा पहनते हैं, नॉर्मल भी वही कपड़ा पहनते हैं। तो अंतर ये होता है कि टॉपर्स जो होते हैं कि अगर वो 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे स्टडी में देंगे। ठीक है, आप ऐसा फोकस करो स्टडी पे, जैसे मान लो 15 मिनट फोकस कर रहे हो स्टडी पे, तो ऐसा फोकस करो कि बगल में अगर डीजे भी बज रहा हो ना तो आपके पे इफेक्ट ना पड़े, ऐसा है। ठीक है, और रही बात इसकी तो हम फिर मिलेंगे, और फिर मिलेंगे। और एक और बात बताना मैं भूल गया कि हम लोगों को टेस्ट सीरीज मिला था परिवर्तन बैच से, उससे भी हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अगर परिवर्तन बैच 3 स्टार्ट हो चुका है, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो सर से बात करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और हमारे सर में एक मुझे फैसिलिटी ऐसी दिखती कि हमारे सर ऐसे हैं कि मैं देखा कि बहुत से बच्चों ने पेमेंट नहीं किया अभी तक, मतलब एक मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट एक पर्सन, वो दीदी है भैया, मैं ये भी नहीं बता सकता, वो भैया मतलब बहुत परेशान थे कि मेरा सर वो कर दीजिए, सर मेरा मेरे को परिवर्तन में ऐड कर लीजिए, मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं मतलब सर ने उनसे बहुत बार बात करने की कोशिश की, बट पर्सनली कांटेक्ट नहीं हो पाया। देन मैं सर से बात किया, सर ऐसा ऐसा हो रहा है, आप देख नहीं पा रहे। सर बताया कि
भाई देखो उनका नंबर मेरे पास नहीं है, और आप अगर उनके पास है तो आप बोल दो उनसे कि मेरे से कांटेक्ट करें, तो फिर मैं उनसे करके और उनको मतलब आज वो भी परिवर्तन बैच में ऐड हैं, ठीक है। तो अगर आप मतलब सक्षम हो परिवर्तन में ऐड होने के लिए तो आप जाके जुड़ो, ठीक है। ऐसे तो फ्री में कंटेंट हम लोग क्या मिलता ही है, बट प्रॉफिट मतलब जैसे मान लीजिए तो सोने पे सुहागा वो आपका होगा, ठीक है। और मैं आपका कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया, लगभग 6 मिनट के करीब, इसके लिए मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा और दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मेरी बातों को सुनने आए। और मैं यहीं पे बातों को समाप्त करूँगा, मिलते हैं पेपर के बाद, जय माता दी।